हेलो एंड वेलकम बैक। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एवरेज ड्यू डेट का चार्ट। ठीक है, वैसे तो काफी छोटा सा टॉपिक है लेकिन फिर भी इसको जल्द से जल्द हम लोगों को रिवाइज कर लेना है। ठीक है, और हर एक बारीकी को डिस्कस करना है, तो जल्दी से लेट्स मूव ऑन टू इट। तो व्हाट इज एवरेज ड्यू डेट? ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को यहां पर दो चीजों पर ध्यान देना, एक तो एवरेज, दूसरा ड्यू डेट। ठीक है, ड्यू डेट की बात कब आती है? जब वी हैव टू मेक सम पेमेंट टू समवन, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ड्यू डेट्स आते हैं। सो मे बी देयर आर सेवरल ट्रांजैक्शंस। मैंने कई बार किसी एक बंदे से बहुत सारे परचेजेस किए, अलग अलग डेट पे बहुत सारे परचेजेस किए। अब उसने मुझे एक क्रेडिट टर्म अलाउ करके रखा हुआ है। ठीक है, अब वो टर्म के मुताबिक मैंने कैलकुलेट किया व्हाट आर द ड्यू डेट्स। अब व्हाट आर, यानी बहुत सारे मल्टीपल ड्यू डेट्स आ रहे हैं, तो अगर बहुत सारे ड्यू डेट्स आ रहे हैं तो भाई मैं अगर अलग अलग डेट पे पेमेंट करता रहूंगा झंझट होगा, कंफ्यूजन होगा। इसलिए वी कैलकुलेट अ सेटलमेंट डेट, अ मिडल डेट, जिसे हम कहेंगे एवरेज ड्यू डेट, जिससे इंटरेस्ट का नुकसान ना तो मेरा हो ना आगे वाले का हो। ठीक है, सो दैट इज बेसिकली एवरेज ड्यू डेट। अब यहां पे एवरेज वर्ड का इंपॉर्टेंस क्या है कि इतने सारे ड्यू डेट्स में मैं सिर्फ एक डेट कैलकुलेट कर रहा हूं, हेंस वी आर कॉलिंग दैट एज एवरेज डेट। अब एवरेज वर्ड जब भी यूज होता है तो आपके दिमाग में दो बातें आनी चाहिए, दो तरह के एवरेज होते हैं, एक होता है सिंपल एवरेज, एक होता है वेटेड एवरेज। ठीक है, तो यहां पर भी वही एवरेज का फंडामेंटल बेस है, नथिंग एल्स। यहां पर भी दो तरह के एवरेज कैलकुलेट किए जाते हैं, जा सकते हैं सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज कब? व्हेन द अमाउंट ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस आर सेम, तो हम लोग सिंपल एवरेज बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर यहां पर अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शंस आर डिफरेंट, देन इन दैट केस वी नीड टू कैलकुलेट अ वेटेड एवरेज। ठीक है, क्योंकि वेटेड एवरेज से ही आपको मैथमेटिकली बिल्कुल सही जवाब मिलेगा, सिंपल एवरेज विल नॉट गिव यू द मैथमेटिकली करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन। अब मॉड्यूल के मुताबिक अगर हम लोग जाए तो मॉड्यूल के मुताबिक यहां पे चार अलग अलग सिचुएशंस है। सबसे पहला सिचुएशन है वन वे सिचुएशन। वन वे सिचुएशन यानी भैया मैंने किसी से गुड्स परचेस करके रखे हुए हैं और मुझे उससे सिर्फ पेमेंट करना है, दैट इज द ओनली ट्रांजैक्शन। लेकिन ऐसे बहुत सारे अलग अलग ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है? तो वन वे ट्रांजैक्शन के केस में एवरेज ड्यू डेट इज टू बी कैलकुलेटेड एज बेस डेट। बेस डेट कैसे पकड़ना है? तो दोस्तों बेस डेट हम कोई भी पकड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, यू कैन टेक एनी बेस डेट। लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अभी एट द स्टेज आप लोगों ने कभी भी अर्लीएस्ट डेट लेना चाहिए एज द बेस डेट, अर्लीएस्ट डेट। ठीक है, आपके जितने भी ड्यू डेट्स है उन सारे ड्यू डेट्स में से जो भी अर्लीएस्ट डेट है उसी को बेस डेट पकड़ के चलोगे तो सबसे ज्यादा ईजी पड़ेगा। और अगर ऐसा कुछ पकड़ते हो देन इन दैट केस इट विल ऑलवेज बी प्लस, नेवर बी माइनस, कभी माइनस में आएगा ही नहीं आंसर। ठीक है, ओके। अब उसमें सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम ऑफ अमाउंट, व्हाट इज दिस? दिस विल गिव मी द एडिशनल डेज टू बी एडेड टू द बेस डेट। ठीक है, अब ये सम ऑफ प्रोडक्ट सम ऑफ अमाउंट का लॉजिक क्या है? तो देखिए मुझे कुछ इस तरह से टेबल बनाना होगा, डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन, टर्म कितने महीने का, कितने दिनों का मुझे टाइम दिया गया है। आई विल कैलकुलेट द ड्यू डेट। ड्यू डेट कैलकुलेट करने के बाद मैं कैलकुलेट करूंगा डिफरेंस फ्रॉम द बेस डेट एंड द ड्यू डेट। बेस डेट से ड्यू डेट में कितने दिनों का डिफरेंस है, तो ये मुझे लिखना होगा। अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड फाइनली वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इज बेसिकली द डिफरेंस इन ड्यू डेट्स मल्टीप्लाइड बाय द अमाउंट, दिस विल गिव मी द प्रोडक्ट। ठीक है, तो दोस्तों मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए सम ऑफ प्रोडक्ट, मुझे चाहिए सम ऑफ अमाउंट, राइट, टू गेट द एडिशनल नंबर ऑफ डेज। नाउ व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? दिस इज नथिंग बट वेटेड एवरेज। कैसा वेटेड एवरेज? देखिए बात को समझने की कोशिश करेंगे। सिंस देयर आर डिफरेंट ड्यू डेट्स, सो वी आर कैलकुलेटिंग द डिफरेंस इन द ड्यू डेट्स। इफ द अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज सेम, तो मैं सिंपल एवरेज कैलकुलेट कर सकता हूं ऑफ द डिफरेंस इन ड्यू डेट्स। सो मान के चलिए डिफरेंस इन ड्यू डेट इज 30 डेज, 40 डेज, 50 डेज, 60 डेज, ऐसा कुछ है, तो मैं 30, 40, 50, 60 इन सबका सिंपल एवरेज कैलकुलेट कर लूंगा, दैट्स इट। ठीक है, लेकिन अगर अमाउंट अलग अलग है तो मुझे यहां पे वेटेड एवरेज लगाना होगा, जहां पे अमाउंट विल बी कंसिडर्ड एज अ वेट। अब बाकी स्टैटिस्टिक्स में आप लोगों ने जैसा पढ़ा है यहां पे वही लॉजिक लगाना है, आपको जिस चीज का एवरेज निकालना है उसे वेट से मल्टीप्लाई करना होगा। दैट इज द रीजन हम इस डिफरेंस को अमाउंट से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे द प्रोडक्ट। ठीक है, अब वेटेड एवरेज का टिपिकल फॉर्मूला, आप ये प्रोडक्ट कैलकुलेट करोगे, इसका समेशन लोगे, व्हेन एंड देन यू विल डिवाइड इट बाय द वेट। वेट इज नथिंग बट द अमाउंट, तो हेंस यू आर डिवाइडिंग इट बाय द सम ऑफ अमाउंट। ठीक है, सो दैट्स द लॉजिक बिहाइंड इट। बाकी अगर लॉजिक के अगर आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा है तो अब इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, अभी आप लोग सिर्फ फॉर्मूला याद करके जा रहे हो, दैट इज इनफ। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फॉर्मूला। अब यहां कुछ कुछ बातें जो मुझे ध्यान में रखना है वो ये है कि सबसे पहली बात, यहां पर हो सकता है कि कभी कभी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स दिए रहे। ठीक है, नॉर्मल ट्रांजैक्शंस भी हो सकते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स भी हो सकते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब दो तरह से होंगे, या तो फिर बिल ऑफ एक्सचेंज होगा या तो फिर प्रॉमिसरी नोट होगा। ठीक है, तो अगर बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट के फॉर्म में मुझे कुछ नजर आ रहा है, देन ऑलवेज रिमेंबर व्हाइल काउंटिंग द ड्यू डेट्स, जो भी फाइनल डेट आ रहा है उसमें मुझे 3 days ऑफ ग्रेस एड करने हैं, जो दूसरे ट्रांजेक्शन्स में नहीं करना है। सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट के केस में ही 3 days ऑफ ग्रेस एड किए जाएंगे, बाकी कहीं नहीं। ठीक है,
उसके अलावा वाइल कैलकुलेटिंग द ड्यू डेट, अगर वो जो ड्यू डेट मैंने कैलकुलेट किया, ट्रांजैक्शन डेट नहीं, ड्यू डेट, ठीक है, ड्यू डेट अगर सपोज पब्लिक हॉलीडे आ रहा है या डिक्लेयर्ड हॉलीडे आ रहा है या संडे आ रहा है, ठीक है, देन इन दैट केस आई विल टेक द प्रीवियस वर्किंग डे एज माय ड्यू डेट. अगर ये सडन हॉलीडे है, देन इन दैट केस आई विल टेक द नेक्स्ट वर्किंग डे एज माय ड्यू डेट. ठीक है, यस. सो दिस इज द फर्स्ट केस. अब ये फर्स्ट केस के लिए मुझे एक एग्जांपल अगर प्रैक्टिस करना है तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग आ जाते हैं इंस्टीट्यूट के इस क्वेश्चन में. ये क्वेश्चन को मैंने लिया है अभी के आरटीपी से, लेटेस्ट आरटीपी. ठीक है, तो ये लेटेस्ट आरटीपी का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसी की मदद से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे. क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट एवरेज ड्यू रेट. तो मुझे डेट ऑफ बिल दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है और यूजेंस ऑफ बिल दिया हुआ है. इसमें मैंने सिर्फ एक जगह पर चेंज किया हुआ है, ये मैं आप लोगों को बता दूं. मैंने तीसरे वाले ट्रांजेक्शन में 12 जुलाई की जगह 13 जुलाई लिया हुआ है और एक मंथ की जगह 30 डेज लिया है, ताकि डेज वाइज हमारा कैलकुलेशन का एक प्रैक्टिस हो जाए. ठीक है, बस इतना सा एक चेंज किया है, बाकी पूरा क्वेश्चन रिमेंस द सेम. मैं फिर से कह रहा हूं, थर्ड वाला डेट 12 जुलाई की जगह 13 जुलाई किया मैंने, एक दिन आगे बढ़ा दिया और एक मंथ की जगह मैंने वहां पर 30 डेज पकड़ा है. ठीक है, तो देखते हैं इसका कैलकुलेशन कैसे होगा. ठीक है, यस दोस्तों, तो हम लोग सबसे पहले यहां पर आ जाते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में. ठीक है, डिवाइसेस प्रॉब्लम, जस्ट अ मिनट. यस, डन. सो सबसे पहले मैंने यहां पे डेट लिख लिए है, वहां से एज इट इज आई हैव कॉपीड द डेट्स. डेट कॉपी कर लेने के बाद आई हैव रिटन द टर्म ड्यूरेशन. अब ये ड्यूरेशन काउंटिंग मुझे सबसे पहले यहां पे सबसे ज्यादा यही जरूरी है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो 28th ऑफ जैन से अगर मैं एक मंथ काउंट करने जा रहा हूं तो मेरा ड्यू डेट कब आएगा, कैसे काउंट करूंगा मैं. सो अगर वन मंथ, जब भी मंथ के टर्म्स में मुझे दिया हुआ है, तो आई विल टेक द सेम डेट इन द नेक्स्ट मंथ. 28 जन से एक मंथ कहां एक्सपायर हो रहा है, 28 फेब. ठीक है, अब मान लो अगले महीने में सेम डेट नहीं है, जैसे यहां पे 28 जन की जगह 30 जन होता, तो 30 जन से एक महीना 30 फेब, भैया फेब में तो 30 होता ही नहीं है, तो क्या करेंगे. ऐसे सिचुएशन में जिस मंथ में वो एक्सपायर हो रहा है उसका आखिरी डेट मुझे पकड़ना होगा, राइट. सो अगर 30 जन को ये बिल ड्रॉ होता तो एक महीना कब खत्म होगा, एक महीना 30 फेब तो है ही नहीं, तो मैं क्या मानता, मैं मानता 28 या 29 फेब, डिपेंडिंग अपॉन वेदर इट इज लीप ईयर और नॉट. तो 28 से 29 फेब को मैं पकड़ता एज माय डेट ऑफ एक्सपायरी. ठीक है, अब वहां से 3 डेज ऑफ ग्रेस मुझे ऐड करने होंगे, राइट. तो यहां पर कैसा हो रहा है, 28 जन से 28 फेब, फेब में 28 तो होता है भाई, ठीक है, अच्छा फेब में 28 होता है, तो उसके बाद मुझे 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करना है. 3 डेज ऑफ ग्रेस अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो फिर 1, 2, 3, तो ग्रेस डेज ऐड करने के बाद ये आ रहा है 3rd of March. अब यहां पर कुछ लोगों के मन में एक बात जरूर आएगा कि सर ये तो लीप ईयर है, तो लीप ईयर है तो फिर हम लोगों ने यहां पे एक दिन और ऐड नहीं करना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए. यही एक गलती मॉड्यूल ने भी किया हुआ है. फिलहाल के लिए हम मॉड्यूल के सॉल्यूशन, मॉड्यूल कह रहा हूं, आरटीपी के सॉल्यूशन के मुताबिक चलते हैं. आरटीपी में एक और गलती हुआ है, वहां पे 2019 लिखा हुआ है ना, भले वो डेट 2020 का है लेकिन उन्होंने 2019 लिखा हुआ है, तो वहां पे गलती हुई है और वो 2019 पकड़ने के लिए ही उन्होंने शायद लीप ईयर वहां पे काउंट नहीं किया. ये गलती आरटीपी में बिल्कुल हुआ है, ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए हम उस गलती को नजरअंदाज करते हैं. हम ऐसा मान लेते हैं कि ये लीप ईयर नहीं है, अगर है भी तो भी हम लोग 29 फेब को इग्नोर करके चलते हैं. अगर इग्नोर करके चले तो 1, 2, 3 तारीख को आएगा हमारा ड्यू डेट, यानी 3 मार्च. इसी तरह से अगर 20 मार्च से 2 महीने काउंट किए जाए तो 20 मार्च से 2 महीने कैसे काउंट करेंगे, 20 अप्रैल 20 मई उसके बाद 3 दिन 21, 22, 23 23rd of May. ठीक है, इस तरह से 13 जुलाई से अगर मैं 30 दिन काउंट कर रहा हूं, यही चेंज किया है मैंने, 13 जुलाई से 30 दिन अगर मैं काउंट कर रहा हूं तो कैसे काउंट करूंगा, तो 13 जुलाई से 30 दिन, 30 दिन जब दिया रहता है तो मुझे कैसे काउंट करना है. 13 जुलाई, जुलाई में 31 डेज होते हैं, 31 में से मैं 13 डेज माइनस कर देता हूं, 18 दिन तो जुलाई में एक्सपायर हो गए, राइट. अगर 18 दिन एक्सपायर हो गए तो 30 में से 18 गए, 12 दिन बचे, तो अगले महीने यानी अगस्त महीने के 12 तारीख को ये एक्सपायर हो रहा है. लेकिन अगस्त 12 से 3 डेज ऑफ ग्रेस, 13, 14, 15, लेकिन 15 अगस्त तो छुट्टी है ना, पब्लिक हॉलीडे, एज अ रिजल्ट प्रीवियस डे इज 14th अगस्त. ठीक है, और इसी तरह से 10th अगस्त से 2 महीने 10th, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 13th of October. ठीक है, तो ये हम लोगों ने पहले ड्यू डेट्स पकड़ लिए. अब मुझे कैलकुलेट करना है डिफरेंस इन ड्यू डेट, लेकिन डिफरेंस इन ड्यू डेट कैलकुलेट करते वक्त मैं यहां पे कंसिडर करूंगा, कि व्हाट इज द बेस डेट. तो मैंने बेस डेट मान के रखा हुआ है एज 3rd March, दैट इज द अर्लीएस्ट डेट को मैंने मान के रखा है एज माई बेस डेट. ठीक है,
सो थर्ड मार्च से अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो सबसे पहला डिफरेंस जीरो आएगा. दूसरा डिफरेंस कितने दिनों का डिफरेंस है? सो भैया मार्च के 31 डेज होते हैं. मार्च में 31 माइनस 3 28 दिन, मार्च के 28, फिर अप्रैल के 30 और मई के 23, ये सब मिला के 81 डेज. राइट, 81 डी जो लिख के रखा है दैट इज 81 डेज. इसी तरह से थर्ड मार्च से लेके 14th ऑफ अगस्त तक, मार्च के 31 माइनस 3 प्लस अप्रैल के 30 प्लस मई के 31 प्लस जून के 30 प्लस जुलाई के 31 प्लस अगस्त के 14, सब मिला के कितने हो गए? 164 डेज. बराबर. और इसी तरह से अक्टूबर तक, अक्टूबर तक काफी लंबा होता है लेकिन काउंट अगर करें हम लोग तो 31 माइनस 3 मार्च के 31 माइनस 3 मार्च के 28 डेज प्लस अप्रैल के 30 प्लस मई के 31 प्लस जून के 30 प्लस जुलाई के 31 प्लस अगस्त के 31 प्लस सितंबर के 30 एंड अक्टूबर के 13 डेज. ये सब मिला के कितने हो गए? 224 डेज. राइट, यही हमें डिफरेंस नजर आ गया. अब हम लोग देख रहे हैं व्हाट इज द अमाउंट. ठीक है, अमाउंट लिख लिया मैंने, दिस इज द वेट, है ना. तो मुझे डिफरेंस इन ड्यू डेट का एवरेज निकालना है जिसमें मैं अमाउंट को पकड़ रहा हूं एज द वेट एंड हेंस अब मैं कैलकुलेट करूंगा वेट से मल्टीप्लाई करने के लिए, करने के बाद वो क्या अमाउंट आ रहा है. तो 0 इंटू 2500 इज 0, 81 इंटू 2000 इज 162000, 164 इंटू 3500 इज 574000 एंड 224 इंटू 3000 इज 672000. राइट, अब आई विल कैलकुलेट द टोटल ऑफ दिस. दिस टोटल इज 14,08,000 and the total of amount is 14,000. How to calculate now average due date now? Average due date will be equal to the base date that is 3rd of March plus sum of product divided by sum of amount. Right? अब ये जो calculate कर रहा हूँ तो ये आ रहा है 3rd of March plus 128 days exact आ रहा है. बहुत बढ़िया बात है. तो अब मुझे यहाँ पे 128 दिन इसमें जोड़ने हैं. अगर 128 days में जोड़ रहा हूँ तो कैसे जोड़ूंगा? तो दोस्तों यहाँ पर मुझे सबसे पहले 128 में से 28 दिन तो मार्च के चले गए, बचे 100 दिन. उसके बाद 30 दिन अप्रैल के चले गए, बचे 70 दिन. फिर मई के 31 डेज निकल गए, बचे 39 डेज. फिर 30 दिन जून के निकल गए, बचे 9 दिन. तो जुलाई के 9 तारीख को ये खत्म हो रहा है. इसलिए व्हाट विल बी माय एवरेज ड्यू डेट? इट विल बी 9th ऑफ जुलाई 2020. ठीक है, दैट्स इट. दिस इज हाउ वी हैव टू कैलकुलेट. ओके, वापस लौट के आते हैं अभी हम लोग हमारे चार्ट में. ठीक है, यस. तो चार्ट में जब मैं लौट के आ रहा हूं तो सबसे पहले केस हमारा कंप्लीट हुआ. अब हम आ जाते हैं दूसरे केस में. ये सबसे ज्यादा लेंथी केस होता है. यहां पर ऐसा है कि दिस इज टू वे ट्रांजैक्शन. टू वे ट्रांजैक्शन मतलब मुझे पैसे लेने भी है, मुझे पैसे देने भी है, है ना. तो देयर वर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस. जैसे मैंने किसी को सेल भी किए, मैंने किसी से परचेस भी किए. जिस बंदे को सेल किए उसी से मैंने परचेस भी किए हुए. ठीक है, तो अगर ऐसे होए जा रहे हैं, बहुत सारे ट्रांजैक्शन होए जा रहे हैं, तो हाउ टू सेटल, हाउ टू कैलकुलेट एवरेज ड्यू डेट. ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोगों को कैलकुलेट करना होता है एवरेज ड्यू डेट बेस्ड ऑन द बेस डेट प्लस और माइनस. अगेन इफ यू टेक द अर्लीस्ट डेट एंड ऑलवेज बी प्लस डिफरेंस इन द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन द अमाउंट. ठीक है, यानी फॉर द रिसीवेबल अमाउंट मुझे ये सेम कैलकुलेशन करना होगा एंड फॉर द पेएबल अमाउंट मुझे सेम कैलकुलेशन करना होगा. उसके बाद मुझे दोनों सम ऑफ प्रोडक्ट्स का डिफरेंस निकालना है, दोनों सम ऑफ अमाउंट का डिफरेंस निकालना है और उस डिफरेंस की मदद से इस ड्यू डेट को ढूंढ के निकालना है. दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल टॉपिक, इसलिए इसको ऐसे थ्योरी में समझा नहीं जा सकता. इसे सॉल्व करने के लिए, इसे समझने के लिए लेट अस कम बैक टू एग्जाम्पल ऑफ योर इंस्टीट्यूट. और हम लोग इस बार बेस लेंगे इंस्टीट्यूट के पिछले जैन एग्जाम्स के क्वेश्चन का. ठीक है, तो मैंने यहां पे जैन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर ओपन करके रखा हुआ है. जैन एग्जाम में ये चॉइस में आया था तो जल्दी से इसको देख लेते हैं. महेश हैड द फॉलोइंग बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल अगेंस्ट राजेश. कैलकुलेट एवरेज ड्यू डेट व्हेन द पेमेंट कैन बी रिसीव्ड और मेड विदाउट एनी लॉस ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, चलिए अब मुझे यहां पे क्या क्या नजर आ रहा है. मुझे नजर आ रहा है अलग अलग डेट बिल्स रिसीवेबल और उनका टेन्योर एंड अलग अलग डेट बिल्स पेबल एंड उनका टेन्योर. ठीक है, 15 अगस्त पब्लिक हॉलीडे, मेहरबानी कर दिया उन्होंने, बता दिया वरना पता नहीं हम लोग क्या कर लेते. उसके अलावा 10 सितंबर 2020 वाज अ सडन डिक्लेयर्ड हॉलीडे. 10 सितंबर सडन हॉलीडे आ रहा है. अगर 10 सितंबर हमारा कभी भी ड्यू डेट आया तो हम लोगों को अगला यानी 11 तारीख को पकड़ना होगा. ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जल्दी से. ठीक है, हाँ जी, तो यहां हमें कैलकुलेशन करते वक्त ठीक है, हमें आ जाना है यहां कहां. यस, देखिए सबसे पहले मैं कैलकुलेट कर रहा हूं फॉर बिल्स रिसीवेबल. ठीक है, वहां पे बेस डेट मैंने लिख के रखा है लेकिन ये बेस डेट एकदम से शुरुआत में जल्द लिखने में जल्दबाजी मत करना. ये बात मैंने देखा है, बहुत सारे जन बेस डेट पकड़ने के बहुत ज्यादा जल्दबाजी में रहते हैं. ये नहीं करना.
ठीक है, आप लोग सबसे पहले बिल्स रिसीवेबल एज वेल एज बिल्स पेबल दोनों के ड्यू डेट्स कैलकुलेट कर लेना और देख लेना कि व्हाट इज द अर्लीस्ट डेट, उसके बाद ही आप बेस डेट पकड़ के आगे के कैलकुलेशंस करना, ठीक है। तो देखो अब मैं यहां पे बिल्स रिसीवेबल के कैलकुलेशंस कर रहा हूं, सबसे पहले ये सारे डेट्स दिए हुए थे और ये सारे टर्म्स दिए हुए थे, है ना। अब सिंस ये बिल्स रिसीवेबल है इसलिए ग्रेस डेज भी हमें ऐड करने हैं, तो मैं इस बार ड्यू डेट्स रेडी रख रहा हूं, दीज आर द ड्यू डेट्स दैट यू नीड टू कैलकुलेट, बराबर। 12 जून से 3 महीने, दो कैलकुलेशंस जल्दी से कर लेते हैं। 12 जून से 3 महीने तो 12/7, 12/8, 12/9, ठीक है, 12/9, 13/14, 15, 15/9, 15 सितंबर विल बी द ड्यू डेट। इसी तरह से 10th of July से लेके एक महीने अगर मैं काउंट कर रहा हूं तो 10th of August को खत्म हो रहा है, 11/12/13, 13 August विल बी द ड्यू डेट। दिस इज हाउ वी हैव टू कैलकुलेट द ड्यू डेट्स, ठीक है। अब ये ड्यू डेट इसी तरह से मैं रेकमेंड करूंगा कि आप लोगों ने बिल्स पेबल का भी इमीडिएटली पहले कैलकुलेट कर लेना, पहले सिर्फ इतना कैलकुलेशन करना, बाकी का कैलकुलेशन बाद में। ये सारे कैलकुलेशंस हो जाने के बाद, बिल्स रिसीवेबल का एज वेल एज बिल्स पेबल का हो जाने के बाद, आप देख लेना कि विच इज द अर्लीस्ट ड्यू डेट और उसी डेट को मानना एज द बेस डेट, इससे इजी होगा क्वेश्चन, नथिंग एल्स, ठीक है। चलिए अब हम लोग डिफरेंस इन ड्यू डेट्स निकालेंगे एज यूजुअल। तो मैंने 13 अगस्त अर्लीस्ट डेट है इसलिए उसी को माना है एज द बेस डेट, तो यहां से अगर मैं डिफरेंस निकाल रहा हूं तो सबसे पहले आ रहा है 33 डेज, फिर 0, फिर 66 डेज, फिर 1 डे एंड उसके बाद 18 डेज, इतने दिनों का मेरा डिफरेंस आ रहा है। देन आई हैड द अमाउंट्स, तो मैं अमाउंट्स से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर रहा हूं द प्रोडक्ट, 165,000, 5,000 इंटू 33, 6,200 इंटू 0 इज 0, 3,500 इंटू 66 इज 2,31,000 एंड 1,500 इंटू 1 इज 1,500, लास्ट 2,500 इंटू 18 इज 45,000, राइट। सो सम आ रहा है 442,500 and 18,700। अब यहां हम गलती ये कर देते हैं कि यहीं पे हम लोग 13 अगस्त के बाद सीधा 442,500 डिवाइडेड बाय 18,700 करके आंसर निकालने की जल्दबाजी में जाते हैं, जो कि गलत है। अब मुझे इमीडिएटली कैलकुलेट क्या करना है, बिल्स पेबल का कैलकुलेशन करना है। बिल्स पेबल में भी सेम, पहले मैंने डेट लिख लिया, फिर मैंने टर्म लिख लिया और मैंने उनके ड्यू डेट्स कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। ये सारे ड्यू डेट्स कैलकुलेट होने के बाद ही बेस डेट तय करना है, ये बात मैंने बताया है, ये बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, ओके। अब अमाउंट लिख लिया मैंने, पहले तो डिफरेंस इन ड्यू डेट निकाला हम लोगों ने, डिफरेंस फ्रॉम द सेम बेस डेट, ये दोनों के Yes. So, मैं ये कह रहा था कि इन दोनों के लिए हमें सेम बेस डेट पकड़ना जरूरी है, ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है, दोनों कैलकुलेशन में सेम बेस डेट, ठीक है। उसके बाद अमाउंट लिख लिया, अमाउंट से हम लोग डिफरेंस इन डेट को मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेंगे प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट आ जाने के बाद हाउ टू कैलकुलेट एवरेज ड्यू डेट, एवरेज ड्यू डेट विल बी कैलकुलेटेड एज, सम दोनों का निकाल लिया हम लोगों ने, अब एडीडी विल बी बेस डेट यानी 13 अगस्त प्लस द डिफरेंस इन द डेज, सॉरी इन द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई डिफरेंस इन द अमाउंट। तो देखिए ध्यान से, वॉट इज द डिफरेंस इन द प्रोडक्ट, अगर आप दोनों प्रोडक्ट का डिफरेंस कैलकुलेट करें तो डिफरेंस आ रहा है 2,63,000, और उसी तरह से अगर दोनों अमाउंट का डिफरेंस अगर आप कैलकुलेट करें तो वो डिफरेंस आ रहा है 6,000 रुपए, ठीक है। तो यहां से मुझे एक चीज और पता चल रहा है, बिल्स रिसीवेबल पैसे लेने कितने हैं 18,700 और देने हैं 12,700, यानी नेट इफेक्ट हम 6,000 रुपए उनसे लेंगे, ठीक है, ओके। अब इसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो ये कुछ ऐसा आ रहा है, 13 अगस्त प्लस 43.94 डेज, तो अगर 43.94 डेज आ रहा है तो मैं इसे राउंड ऑफ करूंगा टू द हायर साइड, यानी आई विल टेक इट एज 44 डेज, और 44 डेज पकड़ते हुए यहां पे ऐड करते हुए मेरा ड्यू डेट आ रहा है 26 सितंबर 2020, राइट। दिस इज हाउ वी नीड टू कैलकुलेट दिस, राइट। अब इसी तरह से अगर मैं अभी लौट के आता हूं हमारे चार्ट में तीसरे केस में, ठीक है, तो हमारा जो तीसरा केस है वो तीसरा केस कैसा है, एक मिनट, यस। सो तीसरा और चौथा केस उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बट स्टिल वी नीड टू डिस्कस दैट वंस, फॉर वन टाइम सेटलमेंट ऑफ लोन, है ना, एक तो लोन और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है। ये दोनों में खासियत क्या होती है, स्पेशली लोन की अगर मैं बात करूं तो इसमें अक्सर हमें जो इंस्टॉलमेंट दिखता है वो कॉमन होता है, कांस्टेंट होता है, तो अगर कांस्टेंट है देन इन दैट केस वी कैन अप्लाई सिंपल एवरेज, हाँ, लेकिन अगर अमाउंट अलग अलग रहे देन इन दैट केस वी कैन अप्लाई द सेम लॉजिक जो अभी तक करते आ रहे थे और उसी तरह से हम अप्लाई करेंगे और वेटेड एवरेज मेथड से आंसर निकालेंगे, राइट। अब इस चीज को समझने के लिए हम लोग मॉड्यूल के ही क्वेश्चन का बेस लेते हैं, ठीक है।
तो मैं मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन नंबर 9 में आ रहा हूं, राइट। तो अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो ₹10,000 लेंट बाय दास ब्रदर्स टू कुमार एंड सन्स ऑन 1st जन इज रीपेबल इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स कमेंसिंग ऑन 1st ऑफ जनवरी सो एंड सो फाइंड द एवरेज ड्यू डेट एंड कैलकुलेट इंटरेस्ट एट रेट 5% पर एनम व्हिच दास ब्रदर्स विल रिकवर फ्रॉम कुमार एंड सन्स। तो यहां पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो भैया 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में दिए जा रहे हैं, यानी हर अमाउंट इज सेम, एवरी अमाउंट इज सेम। अगर अमाउंट सेम है तो सिंपल एवरेज। कैसे सिंपल एवरेज निकालोगे? आप सबसे पहले देखोगे द डिफरेंस। डिफरेंस कैसे देखोगे? देखो, बेस डेट विल बी द अर्लीस्ट डेट 1st ऑफ जन। अब इससे एक एक साल का डिफरेंस बढ़ता जाएगा। फर्स्ट डिफरेंस इज 0, उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 डिफरेंस, राइट। अब सिंस द अमाउंट इज सेम वी विल कैलकुलेट सिंपल एवरेज। कैसे सिंपल एवरेज निकालेंगे भैया? 1, 2, 3, 4, 5 डिवाइडेड बाय 5, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय 5। मैंने क्या किया? इन डिफरेंस का सिंपल एवरेज कैलकुलेट किया। अब ये जो आंसर आया, दिस विल गिव मी द ड्यू डेट, यानी बेस डेट प्लस 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय 5 इज 3। तो बेस डेट प्लस 3 इयर्स विल गिव मी माय एवरेज ड्यू डेट, यानी मेरा एवरेज ड्यू डेट क्या आ रहा है? 1st ऑफ जन 2018। इसका मतलब क्या हुआ कि 1st ऑफ जन 2015 से लेके 1st ऑफ जन 2016 तक कोई रिपेमेंट नहीं होगा, 17 तक कोई रिपेमेंट नहीं होगा। सीधा रिपेमेंट कब होगा? 1st ऑफ जन 2018 में। और यहीं पे हम लोग इकट्ठा पूरा इंटरेस्ट दे देंगे, इससे ना आगे वाले पार्टी के लेंडर को भी कोई नुकसान नहीं होगा, बोरोअर को भी कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर अमाउंट अलग अलग रहा, जैसे अगले ही क्वेश्चन में अगर आप देखें तो अमाउंट अलग अलग दिया हुआ है ना, इलस्ट्रेशन नंबर 10 में अगर अमाउंट अलग अलग दिया हुआ है तो बिल्कुल हम लोगों ने पहले मेथड में जैसा कैलकुलेशन किया था बिल्कुल हू बहू वैसा का वैसा कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले मैंने ड्यू डेट्स लिख लिए, ड्यू डेट्स में मैंने अर्लीस्ट डेट को ले लिया एज माई बेस डेट, अमाउंट लिखा और बेस डेट से मैंने डिफरेंस निकाले, ठीक है। दिस कैन बी डन इन मंथ्स, इन दैट केस वी नीड टू एड द मंथ्स, ठीक है। तो यहां पे मैंने मंथ्स में लिखा है, तो मंथ्स में लिखा है तो अब अमाउंट इनटू मंथ्स, यहां पे जो भी प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है डिवाइडेड बाय अमाउंट विल गिव मी द मंथ्स टू बी एडेड टू द एवरेज ड्यू डेट। तो यहां पे 1st जन इज माय एवरेज ड्यू डेट, 7.5 लाख डिवाइडेड बाय 20,000 कम्स टू 37.5 मंथ्स। तो 37.5 मंथ्स कैन बी राउंडेड ऑफ टू 38 मंथ्स। तो हम यहां पे 38 मंथ्स यहां पे एड कर दे रहे हैं, विच कम्स टू अप्रोक्सीमेटली 1st ऑफ मार्च, ठीक है। सो 1st ऑफ मार्च विल बी माई एवरेज ड्यू डेट, ठीक है। इस डेट में इसके पहले और इसके बाद में कोई पेमेंट नहीं किया जाएगा, सीधा पूरा का पूरा अमाउंट इसी डेट पे दे दिया जाएगा। इससे इंटरेस्ट में ना आगे वाले पार्टी का लेंडर को भी कोई नुकसान नहीं है, बोरोअर को भी कोई नुकसान नहीं है, राइट। सो दिस वॉज अ थर्ड सिचुएशन। एंड इसी तरह से अगर मैं आखिरी सिचुएशन में आ जाऊं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की बात करें, तो यहां पर भी वही सेम किस्सा हो रहा है। जब पार्टनर्स फ्रिक्वेंटली विड्रॉ करते रहते हैं, उस पर इंटरेस्ट अगर चार्ज करना है तो यहां पर भी वही सेम किस्सा है। अगर कॉन्स्टेंट अमाउंट विड्रॉ हो रहा है देन यू विल कैलकुलेट अ सिंपल एवरेज, और अगर मल्टीपल डिफरेंट अमाउंट विड्रॉ हो रहे हैं देन वी विल कैलकुलेट द वेटेड एवरेज, ठीक है। यहां पे मॉड्यूल के क्वेश्चन को अगर हम लोग जल्दी से देख ले एक बार, तो यहां पर वही हो रहा है। अगर हम लोग देखें किसी एक को देख लेते हैं, यहां पे दो पार्टनर्स हैं, हम लोग सिर्फ एक ही केस को देख लेते हैं। जुलाई, सितंबर, नवंबर और फरवरी में इन्होंने अलग 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 अमाउंट को विड्रॉ करके रखा हुआ है, तो आपको डिफरेंस निकालना है। अगर पीरियड मंथ्स में दिया हुआ है देन यू कैन ऑल्सो टेक द डिफरेंस इन मंथ्स, या अगर डेज में दिया हुआ है यू कैन ऑल्सो टेक द डिफरेंस इन डेज, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली द आंसर अगर आप लोग डेज में ले रहे हो तो वो जो समिशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय समिशन ऑफ अमाउंट कर रहे हो दैट आंसर विल बी ऑल्सो बीन डेज, और अगर आप डिफरेंस को मंथ्स में ले रहे हो द समिशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय समिशन ऑफ अमाउंट द आंसर विल बी समथिंग दैट यू विल गेट इन मंथ्स। सिमिलरली इफ यू टेक इन ईयर्स देन द आंसर विल बी इन ईयर्स, ठीक है। चलो तो यहां पर कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा, वही चीज किया जा रहा है। अगर आप ध्यान से देख रहे हो, ड्यू डेट्स लिए गए हैं, अमाउंट लिया गया है, डिफरेंस लिया गया है और डिफरेंस को मल्टीप्लाई किया गया विद द अमाउंट, ठीक है। द सेम लॉजिक इज डन, ओके। सो दिस आर द 4 डिफरेंट टेक्निक्स टू बी कैलकुलेटेड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्या हो रहा है अगर ध्यान से देखें तो सप्लायर या लेंडर और बोरोअर या बायर इनके बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है इसमें बहुत सारे अलग अलग ड्यू डेट होते हैं, लेकिन इन ड्यू डेट्स में से हमने सेंटर में कोई तो भी एक कैलकुलेट करके रखा है एज द एवरेज ड्यू डेट। अगर इस एवरेज ड्यू डेट में सेटलमेंट होता है तो इन दोनों पार्टीज में से किसी का भी कोई नुकसान नहीं हो रहा। लेकिन अगर मान के चलो एवरेज ड्यू डेट के पहले सेटलमेंट कर दिया जाता है देन इन दैट केस बायर कैन क्लेम रिबेट, यानी एक तरह का कैश डिस्काउंट। और ये रिबेट कितने ड्यूरेशन के लिए दिया जाएगा तो ध्यान से देखिए, जिस डेट पे सेटल किया है वहां से लेके एवरेज ड्यू डेट, इस बीच का जो भी ड्यूरेशन है इस ड्यूरेशन के लिए यू विल कैलकुलेट, यू कैन क्लेम द रिबेट। ये कब से कब तक के लिए आएगा वो ध्यान से देख लेना, फ्रॉम द डेट ऑफ सेटलमेंट टिल द एवरेज ड्यू डेट,
ठीक है। ये भी हो सकता है कि आपने एवरेज ड्यू डेट के बाद सेटल किया, अगर एवरेज ड्यू डेट के बाद सेटलमेंट हो रहा है देन इन दैट केस बायर को एडिशनल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब ये एडिशनल इंटरेस्ट मतलब एवरेज ड्यू डेट से लेके सेटलमेंट डेट तक, यहां तक का एडिशनल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। नॉर्मल इंटरेस्ट स्टिल एवरेज ड्यू डेट तो रहेगा ही, लेकिन उसके अलावा ये जो डिले हो रहा है इसके लिए भी हमें एडिशनल इंटरेस्ट पे करना होगा, राइट। सो कभी कभी ये क्वेश्चंस भी हमसे पूछे जाते हैं। आई होप ये क्विकली हम लोग एवरेज ड्यू डेट के सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर पाए, ठीक है। मिलते हैं अगले टॉपिक में, गुड बाय।